सो रही है तो जाओ उसके पास, जस्ट सिट नेक्स्ट टू हर. हो सकता है वो जाग जाए मिडल ऑफ द नाइट, उसे किसी चीज की जरूरत हो, तो तुम सामने हो. जब तक वो नहीं उठती है, पंखा करो बैठ के उसके साइड में. हाँ, तो क्यों नहीं कर सकते? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? डैड, रणबीर, इनफ नाउ प्लीज. अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है. जस्ट गो देयर एंड बी विद हर, दैट्स इट. गो. आई डोंट बिलीव दिस बॉय. हमें समझाना पड़ रहा है इसे. बाप बनने वाला है ये. क्या था पल्लवी? रणबीर अब बच्चा नहीं रहा, तुम इसे ऐसे नहीं डांट सकती ना. हाँ, तो जब तक ये अपने बच्चे को डांटने की उम्र का नहीं बन जाता ना, ऐसे ही डांटूंगी मैं इसे. थोड़ी सी डांट खा लेगा तो जरूरी है उसके लिए. दीदा, आपने मुझसे वादा तो ले लिया, मम्मी के जन्मदिन तक मैं यहीं रुक जाऊं. पर दीदा, कुछ दिन क्या, कुछ घंटे भी मेरे लिए ना रुकना भारी हो रहा है. मतलब इस घर में ना हर चीज से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, और वो यादें ना मुझे परेशान करती हैं, टॉर्चर करती हैं, मेरी सांस भारी हो जाती है, मैं कुछ नहीं कर पाती, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं. पुत्र, मेरी तरफ देख. रणबीर से भी कई ज्यादा प्यार मैं तुझसे करती हूँ, और तू मेरे लिए यहाँ रुकी हुई है. रणबीर के लिए नहीं पुत्र. तुझे पता है पुत्र, रणबीर मेरे सामने पैदा हुआ है. विक्रम से भी कई ज्यादा प्यार और दुलार मैंने उसे दिया है. इसीलिए आज शायद मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि उसने तेरे साथ जो किया ना, तो मुझे लग ही नहीं रहा है कि वो मेरा ही रणबीर. इसलिए पुत्र, घर की बड़ी होने के नाते तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ कि मुझे माफ कर दे. और पुत्र, मुझे लगता है कि तुझे यहाँ रख के रणबीर के किए का मैं कुछ प्रायश्चित कर पाऊँ. दीदा, आप ये क्या कह रही है? आप क्यों प्रायश्चित करेंगी? आपने कुछ नहीं किया, आप ये सब अपने आप पे मत लीजिए. नहीं बोलूंगी अगर तू मुझे माफ कर देगी तो. दीदा, आप क्यों माफी मांग रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं है. दोष है? जब बच्चा है ना, बिजनेस में कुछ अच्छा करता है ना, तो लोग बड़ों की तारीफ करते हैं, क्या लायक बनाया है, क्या होनहार बनाया है. लेकिन जब वही बच्चा मैरिड लाइफ में नहीं सही होता ना, तो लोग क्यों बड़ों को नहीं बोलते? ये जिम्मेदारी भी बड़ों को ही देनी चाहिए ना, कि वो अपने बच्चों की शायद परवरिश नहीं कर सके अच्छी तरह से. इसलिए पुत्र, मैं रणबीर के हर झूठ की, हर धोखे की, हर यादों की जो तुझे सताती है, हर आंसू की जो तुझे भारी पड़ रहे, सबकी माफी मांगती हूँ तुझसे पुत्र. में हर बात की माफी मांगती हूँ. बस बस, मुझे लगता है कि इस घर में ना गले लगना ही बैन कर देना चाहिए. और क्या, जिसे देखो गले लगता है और रोने लग जाता है. अरे कुछ गलत हुआ है तो गुस्सा करो, ऐसे रो मत. और अगर रणबीर ने कुछ गलत किया, उसे बताओ कि उसने गलत किया, उसे डांटो, उस पर गुस्सा करो. ऐसे रोकर अपना दिल मत दुखाओ. मैं भी तो इसे कब से यही कह रही हूँ कि होने वाले बच्चे के लिए रोना अच्छा नहीं है. पता है मुझे, सब जानती हूँ. फिर तो और अच्छी बात है. मतलब अब बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक नहीं, दो दो लोग हैं. एक बच्चे की मासी और एक बच्चे की होने वाली परदादी. राची, तू ना एक रूल बना ले कि कभी भी अगर तेरा मन उदास हो ना, तो म्यूजिक सुन लिया कर. कहते हैं म्यूजिक थेरेपी इज अ वेरी गुड थेरेपी. और अगर म्यूजिक बजाने का दिल ना करे तो मेरे पास आ जाकर, मैं हूँ ना, मुझसे बात कर लिया कर. कुछ भी कर, पर तू खुश रहे. एक इंसान के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती. और प्रज्ञा मासी कहती थी कि जिंदगी ना बहुत बड़ी होती है, और कोई भी रिश्ता जिंदगी से बढ़कर नहीं होता. और तुझे ये जिंदगी जीनी है ना, तो बस खुश होकर जी, ऐसे उदास होकर नहीं जी पाएगी. क्यों दीदा? ये जो कह रही है ना, एकदम सही कह रही. जो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी खुश रहा कर. कोशिश करती हूँ. इस घर में हर वो चीज कोई ना कोई पुरानी याद याद दिलाती है. अगर ऐसा है ना, तो एक काम कर कि तू कोई नई परेशानी ले, कोई नया स्ट्रेस. अरे हाँ, कोई नया स्ट्रेस ले जिससे ना तेरा ध्यान भटक जाए. वो स्ट्रेस ना तुझे रणबीर से दूर रखेगा. कुछ भी कर प्राची, पर प्लीज ऐसे रो मत. कोशिश करूंगी. पक्का?
नो नो, आई वॉन्ट दी एंटायर ओल्ड टीम बैक. सारे पुराने लोग चाहिए मुझे. कल से नहीं बाबा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास. सब आज से ज्वाइन होने चाहिए, आज के आज. क्या हैप्पी? आई एम सुपर हैप्पी, आई एम सुपर एक्साइटेड. मुझसे मेरी खुशी मतलब समाई नहीं जा रही है यार. अरे सालों का सपना साकार होने जा रहा है. हाउ डू यू थिंक आई वुड रिएक्ट? ऑफ कोर्स बहुत खुशी हो रही है मुझे. ये तेरे डैड को सुबह सुबह क्या हुआ? आई डोंट नो, मैंने खुद इतने टाइम के बाद इनको इतना खुश देखा है. गाइस, आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक. दिल थाम के बैठो फॉर दिस अनाउंसमेंट. तुम लोगों को तो ऑब्वियसली पता है दैट द कोलीज वी आर वेंचरिंग इनटू द होटल बिजनेस. या अब मेरा एक विलेज प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है. अरे यस, विलेज प्रोजेक्ट. यू नो, बचपन पूरा पंजाब में बीता, इसीलिए हमेशा से ये सपना था कि दिल्ली शहर में ना एक विलेज हो, एक छोटा सा मिनी पंजाब बना दो. हमारे दिल्ली शहर में एक छोटा सा गांव. जस्ट थिंक अबाउट इट. एंड यू नो व्हाट, इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सारे परमिशंस मिल गए हैं. वाओ, नाइस. व्हाट, रियली? यस, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. सपने पूरे होते कितना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है रणबीर, बहुत अच्छा. खास करके जब ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट हो. यू नो, बाकी लोग शायद इसे एक बिजनेस वेंचर या फिर एक होटल के नजरिए से देखेंगे, लेकिन मेरे लिए मेरा ये बचपन है, मेरी बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई है. और इसीलिए यू नो व्हाट, मैंने अपनी पूरी पुरानी टीम को इकट्ठा किया है. मैंने सब उन लोगों को बुलाया है जिनके साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और वो सब सारे के सारे आज से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर. अरे गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग स्टैनली. सर आपने ये फाइल मंगवाई थी? हाँ, ये मंगवाई थी मैंने. तुम एक काम करो, मेरे साथ स्टडी रूम में चलो. कम स्टडी रूम में ब्रेकफास्ट तो करके जाओ. अरे मऊआ, एक काम करो ना, ये जो ब्रेकफास्ट है मेरे स्टडी रूम में भिजवा दो. ठीक है, थैंक यू, आई विल सी यू. कम. इट्स ओके, काम ही तो कर रहा है, करने दो. इसका समझ में नहीं आता मुझे, ये ब्रेकफास्ट टेबल पे स्टडी करता है और स्टडी टेबल पे ब्रेकफास्ट. हाँ या आई विल बी देयर. सही में खुश है? यह नाश्ता बहुत अच्छा है. नाश्ता तो बहुत अच्छा है ही, और आज मैं भी, और मुझे तो अच्छा होना ही था ना. आप दोनों है ना, मुझे इतना समझाया, उसके बावजूद अगर मैं उदास होती तो फिर इट वुडंट हैव बीन फेयर, है ना. आपको पता है मैंने ना डिसाइड कर लिया, अब से मैं उदास नहीं होंगी, दुखी नहीं होंगी, रोऊंगी नहीं. अब से सिर्फ दो ही इमोशंस होंगे मेरे पास, या तो हंसूंगी या तो सीधा गुस्सा करूंगी. हमेशा खुश रहा कर. खुश रहने से क्या होता है पता है? भूख बहुत लगती है और खाना भी हजम होता है. इतना अच्छा नाश्ता है मेरे पास, हजम तो हो ही जाएगा. अरे ये दीदा और मेरी मिली जुली सरकार है. दीदा ने ऑनलाइन रेसिपीज निकाली और मैंने झटपट बना दिया. और तुझे तो पता ही है कि मुझे आलू के पराठे के अलावा कुछ नहीं सूझता. जो भी है, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल ब्रेकफास्ट बोथ ऑफ यू. अरे थैंक यू क्या, मैं तो तेरे लिए बहुत कुछ बनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैंने बनाया ना तो घर में से लोग आके पूछेंगे ये अलग नाश्ता क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो. दीदा आप इतना सोच रही है मेरे लिए, मेरे लिए वही बहुत है. अरे कहाँ बहुत है, मैं तो क्या क्या सोचती थी तेरे लिए कि प्राची की प्रेगनेंसी की खुशखबरी आएगी ना तो मैं ये करूंगी वो करूंगी, तेरी खुशखबरी के ढोल बजाऊंगी. लेकिन हाय रे मेरी किस्मत. कोई बात नहीं पुत्र, तेरे लिए तो मेरा आशीर्वाद ही बहुत है. कोई नहीं दीदा, मेरी गुड न्यूज के लिए ना ही सही, रिया की गुड न्यूज के लिए ही सही. घर में सेलिब्रेशन तो हुआ ना? हुआ होगा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ. हाँ मैं भी नहीं, हमें रिया पसंद नहीं है ना, इसलिए. गाय ना बकरी, काय की खुशखबरी. अरे जो भी है, वो प्रेग्नेंट है, ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए उसका. तू मत उड़ा, तेरी बहन है, हमें क्या, हम तो उड़ाएंगे उसकी मजाक. हाँ हमें क्या. हाँ अरे मुझे तो याद आया कि मुझे तेरे लिए ना ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने हैं. ड्राई फ्रूट के लड्डू बच्चे और माँ की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं. अरे हाँ हाँ डर मत, मैं किसी को नहीं कहूंगी कि मेरी प्राची प्रेग्नेंट है. ठीक है, मैं बनाऊंगी रिया के लिए, रिया के नाम से, और खाएगी मेरी प्राची पुत्र. कितना अच्छा हुआ ना कि दीदा को पता चल गया. इस स्टेज में किसी बड़े का साथ होना कितना जरूरी है ना. साथ होना भी और सर पे हाथ होना भी. चल दीदा तो अपना काम करेंगी, हम अपना काम करते हैं. हमें कौन से काम करने हैं? वो मैंने पार्टी के लिए कुछ डेकोरेटर्स को बुलाया है, वो आ गए होंगे. चलना चलते हैं.
मैंने ये फाइल मंगवाई कब? मुझे तो याद भी नहीं मैंने तुम्हें कॉल कब किया था। सर जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग थी उसी दिन तो कहा था आपने फाइल लाने के लिए। अरे वेरी गुड, तुम्हें याद था? हाँ सर, मुझे आपकी कई हर एक बात याद रहती है। अब इसी बात पे मुझे तुम हमेशा याद रहोगे। ऑल गुड सर। मतलब सर प्राची मैम ठीक है ना? और रिया मैम? कुछ ठीक नहीं है स्टैनली मेरे दोस्त। क्या हुआ सर? सब खराब हो गया। मैंने प्राची के लिए जो सोचा था, तो मैंने सोचा था उसके लिए करूंगा, जो चीजें सरप्राइज प्लान करी थी वो कुछ नहीं कर पाया। जब मैंने सोचा कि अब जाके सही टाइम आ गया, मैं प्राची को बताता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसी टाइम रिया को चक्कर आया और वो बेहोश होके नीचे गिर गई। सर वो सब तो मुझे मालूम है ना सर। सर मैं उस समय घर में ही था, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी तो था। अरे असली तूफान तो वही आया था। एक ऐसा तूफान आया जो सब कुछ उड़ा के ले गया। बाद में भी कुछ हुआ था क्या? हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि रिया प्रेग्नेंट है, और उसके बाद प्राची बहुत उदास हुई वो जान के, और वो हॉस्पिटल से भाग गई। मैंने उसको बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिली नहीं। जब वो घर आई, घर पे मम्मी ने रिया के लिए पूजा रखवाई उसकी प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली प्राची को बुरा लगेगा। वो फिर से घर छोड़ के भाग गई क्योंकि मम्मी ने उसको कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया था इसीलिए। उसमें प्राची मैम घर छोड़ के चली गई थी? हाँ। फिर सर? फिर क्या, मैंने ढूंढा उसको, बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन फाइनली पता है वो कहाँ मिली? वो किराए वाला घर याद है जो मैंने खरीदा था? हाँ सर। वो वहाँ पे थी, और उस घर में मैंने डिसाइड किया चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए मैं प्राची से अलग नहीं होऊंगा, मैं उसके साथ रहूंगा। सर आपकी लव स्टोरी तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड थी यार। इनफैक्ट मेरी किस्मत भी खराब है कि जब भी मैं अपनी स्टोरी को थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ ना, वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाती है। सर तो फिर आप क्या करेंगे? यार अब देखो, लाइफ को सिंपल बनाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है। मुझे प्राची के साथ ये घर छोड़ के कहीं जाना होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्राची चल रही है आई एम श्योर बहुत जल्दी वो घर छोड़ देगी। बस एक चीज है, जब वो घर छोड़े तो उसको बाहर मैं दिखाई दूँ खड़ा हुआ, उसका हाथ थामने के लिए तैयार, ताकि वो बाहर आए तो मैं उसका हाथ थाम के एक नई शुरुआत कर सकूँ, एक नई नई जिंदगी देख सकूँ। तो आप किसका वेट करें सर? तो फिर तैयारी करिए, आप शुरू करिए। इतना आसान नहीं है यार। रिया प्रेग्नेंट है, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। मुझे कुछ ऐसी तरकीब बिठानी पड़ेगी जिससे मेरे घर वाले मुझे खुद धक्के मार के बाहर कर दें, और किसी को पता भी ना चले कि ये प्राची के लिए कर रहा हूँ मैं। सर जब इतना कुछ सोच लिया है तो सर घर से निकलने का प्लान भी सोचा होगा ना आपने कुछ? हाँ सर। यस। क्या सोचा सर? पापा का जो ड्रीम प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है ना, उसमें मैं कंप्लीट लॉस करवा देता हूँ। पापा को गुस्सा आएगा, पापा मुझसे झगड़ा करेंगे, और झगड़ा करते करते पापा मुझे घर से बाहर निकाल देंगे क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम लॉस कर दूंगा, है ना? इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा ये सब प्राची के लिए हो रहा है, और मेरा काम भी हो जाएगा। It's a good idea. और कोई तरीका ही नहीं ब्रो। पापा का थोड़ा दिल टूटेगा, लेकिन पापा का दिल टूटने से प्राची का दिल जुड़ेगा भी तो, और अगर प्राची का दिल जुड़ता है तो ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और पापा क्या है, मेरे पापा है यार, मैं मना लूंगा पापा को, पापा के सामने गिड़गिड़ा दूंगा, उनके पैर भी गिर जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मेरे पापा है, वो मानेंगे, मुझे पता है। अगर उनको लॉस से बुरा भी लगा, आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स निकलते रहते हैं, उनको नया प्रॉफिट मिल जाएगा, दिमाग से भी निकल जाएगा वो सब। बस एक बार प्राची मेरे साथ हो ना, तो ये लॉस वॉस तो क्या मैं करोड़ों के लॉस झेल सकता हूँ यार। बस प्राची मेरे साथ होनी चाहिए। आइडिया अच्छा है? राइट सर। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ? राइट। तुम जब भी आते हो ना दिमाग में से आइडिया आ जाते हैं यार। राइट सही है सर। अच्छा यार, बेटर है। नाइस। बस अब मुझे सोचना है कि लॉस कैसे कराना है मुझे। रिया तुम नीचे ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आई? बूजी प्लीज, आपकी फ्रेंड और मेरी सास, शी इज टर्निंग आउट टू बी अ साइको। मैं चलने जाऊंगी तो मेरे साथ ऐसे चलेंगी जैसे किसी बच्चे को चलना सिखा रही हो। मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे ऐसे खिलाएंगी जैसे किसी बच्चे को खिला रही हो। सोऊंगी तो ऐसे लगेगा जैसे लोरी गा के सुला रही। इट्स टू मच। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज जस्ट टू मच। और इतना मीठा मीठा प्यार तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इट्स जस्ट अनोइंग। रिया लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बहुत सारा प्यार चाहिए और ससुराल वाला प्यार चाहिए। मैंने कहा था कि मुझे बस रणबीर चाहिए, रणबीर के अलावा और कोई नहीं चाहिए, जस्ट रणबीर। रिया हो तुम प्रज्ञा की बेटी, लेकिन बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी तुम्हारी तरह थी। मुझे भी ना सिर्फ पूरब चाहिए था और कोई नहीं उसके अलावा। आई जस्ट डिडंट वांट एनीबॉडी अराउंड मी। वी बोथ आर सिमिलर इन मेनी वेज। पर बूजी एक डिफरेंस है, आपको पूरब अंकल चाहिए थे पर मुझे रणबीर मिल चुका है। तो बूजी मुझे लगता है कि मैं आपसे थोड़ी सी बेटर हूं। बेटर नहीं मेरी जान, तुम बेस्ट हो। और देखो तुम जीत गई और आगे भी जीतती रहोगी। जीत तो मैं गई बूजी, बस अवार्ड हाथ में मिलना बाकी है, और वो मुझे तभी मिलेगा जब प्राची इस घर से चली जाएगी। पर देखिए ना, कल की रात बीत गई,
पर प्राची इस घर से नहीं गई। जाएगी रिया, वो घर से जरूर जाएगी। बस घर से जाना एक बड़ा डिसीजन है, टाइम लगेगा, पर आई एम श्योर शी विल गो। लेकिन बूजी कितना टाइम और लगाएगी? जितना टाइम वो लगाएगी, I'll just keep getting more and more restless। और अगर उसने अपना इरादा बदल दिया? इरादा वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी रिया, देखना वो घर से जरूर जाएगी। Have faith in me। I have faith in you, Buji। I trust you completely। इसलिए तो आपकी सारी बात मानती हूँ। So just sit and relax, और भरोसा रखो, I will never disappoint you। अरे वाह स्टैनली यार, तू पहले क्यों नहीं आया? कितना स्मार्ट है यार तू। तो जब भी आता है ना मेरे को थोड़ी थोड़ी होप आ जाती है अंदर। तू पिछली बार आया था तो मैं कितना खुश था, कितना सही आइडिया देता है। इस बार भी आया तो कितना अच्छा आइडिया दिया यार, गुड। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली जाके मुझे एक आइडिया मिला है। मैं उनका तो चूम लूं। अरे सर सर, अगर मैं लड़की होता ना तो भी आपको किस नहीं करनी चाहिए सर। सी आप शादीशुदा हैं सर। ऑफ कोर्स आई नो यार, तू मेरी फीलिंग्स देख, मेरे रिलेशन पे मत जा। बाय द वे आज सच में मैं भी इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, ऐसा लग रहा है पंछी आजाद हो गया अपने पिंजरे से, और वैसे घूमते 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 आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ। ओ वाओ, लड़कियां तो यूजुअली करवा चौथ का व्रत रखती है अपने पतियों के लिए, लेकिन तुमने तो मेरी रक्षा ऐसे कर ली पकड़ के। अरे हाथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना। तुम हाथ छोड़ना भी चाहोगी ना तभी मैं कभी हाथ छोड़ने नहीं दूंगा। एक बार हाथ थाम लिया तो थाम लिया, हमें हाथ थामना आता है। आई 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 आओ आओ। और हमें हाथ काटना आता है ताकि सोया हुआ इंसान नींद से जाग जाए। गिरे हुए तो तुम पहले से हो ही, ये तो सब जानते हैं, पर आइंदा जब गिरोगे ना तो एक बात याद जरूर रखना, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने या तुम्हें उठाने या तुम्हारी मदद करने नहीं आने वाली। नहीं तुम भूल जाते हो ना, इसीलिए बता रही हूँ। मुझसे जो वादे किए हैं वो तो बहुत कन्वीनियंटली तुम भूल गए हो, आई नो दैट। मैंने जो अभी बात की ना इसे याद रखना, भूलना मत। थोड़ा सा और डांट लेती मुझे चिकचिकी, तुम्हारे आंसुओं से अच्छा ना तुम्हारा गुस्सा लगता है मुझे। एक सेकंड में भी आया। Hey, listen, तुम्हें कपल को मिलाना चाहिए, पर तुम तो उन्हें लड़ता हुआ देख और एंजॉय कर रही हो। कौन हो तुम? कौन हो तुम मुझे लेक्चर देने वाली? जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था ना तो तुम रणबीर के आगे पीछे घूम रहे थे। आज तो क्या मैं आपके आगे पीछे घूमता? ओए गलत ट्रेन पे चढ़ रहे हो, होशियारपुर ले जाओगे बिठा के, समझ रहे हो? मेरे गाँव। मैंने क्या कहा था तुमसे करने के लिए? जूस कहाँ है? रिया के लिए जूस बनाने के लिए कहा था ना, कब से कहा हुआ है महुआ? मैं आपके लिए सूप बना रही थी इसलिए लेट। तुम मुझ पे ध्यान मत दो, तुम्हें सिर्फ रिया पर ध्यान देना है। अगर मैं भी तुमसे कुछ काम कहूँ ना तो प्लीज मना कर दो मुझे, तुम सिर्फ रिया का काम करोगी, समझी? सॉरी आगे से ध्यान रखूंगी, मैं अब भी ओरिजिनल्स लेके आई। अरे लेकिन आराम से टक्कर लग जाएगी, कितनी पागल लड़की है, जब काम कहा करने के लिए तब तो किया नहीं और अब देखो भाग भाग के काम कर रही है। अरे कैसा काम? मैंने इसे रिया के लिए जूस बनाने के लिए कहा था और कब से बोला हुआ है, लेकिन नहीं वो काम छोड़ के घर के बाकी सारे काम करे। इतने लोग हैं घर में, टाइम लग जाता है कभी कभी, हो जाएगा भी। एनीवेज मम्मी जी वो शाम को डिजाइनर आ रही है घर पे, आप अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी चूज कर लेना ओके, मेरे बर्थडे के लिए। I know, आप डिजाइनर साड़ियां ही पहनती है, लेकिन ये डिजाइनर कुछ स्पेशल है, I really like her collection, तो कुछ चूज कर लेना। कर लूंगी, लेकिन पल्लवी तुम इतना स्माइल क्यों कर रही हो? अब वो मम्मी जी मेरे बर्थडे पर हर साल या तो आप या विक्रम रणबीर इनमें से कोई पहले विश करता है मुझे, है ना, लेकिन इस साल मुझे सबसे पहले रिया ने विश किया। रिया ने बर्थडे विश किया सबसे पहले? हाँ। लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो कल है। हाँ तो उसने कल रात को विश कर लिया ना मुझे। उसने बर्थडे विश कर लिया और तुम्हारा बर्थडे नहीं है फिर भी तुम खुश हो रही हो? हाँ तो मम्मी जी क्या हुआ, एटलीस्ट शी मेड एन एफर्ट। हैप्पी बर्थडे मामा, ये कहने में कौन सा एफर्ट लगता है। हंस लो। नहीं नहीं हंस लो, लेकिन देखना मम्मी जी रिया मेरे लिए कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेगी, या तो वो मेरे लिए हाथों से केक बनाएगी या
या हो सकता है कि वो विक्रम और रणबीर के साथ मिलकर कुछ सरप्राइज ऑर्गेनाइज करेगी. आई एम श्योर शी इज गोइंग टू डू समथिंग बिग. वो है ही इतनी प्यारी, मेरे लिए कुछ भी करेगी. और उसकी यही सब बातें देखकर ना सब प्यार करने लग जाते उससे. शी इज सो स्वीट ना. अरे बाप रे, मैं मम्मी जी आई एम सॉरी, मैं अभी आई, मैं कुछ भूल गई, अभी आई. रिया के प्यार में इतनी पागल हो गई है ना कि प्राची का प्यार और उसका रिस्पेक्ट उससे दिख ही नहीं रहा है. अरे आ जाओ भाई, जल्दी आओ, सारा सामान लेके आओ. नमस्ते मैम. कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैम. आपने सारा सामान लाया जो मैंने कहा था? दिखाएंगे प्लीज? जी दिखाओ, चलो. तो कब से डेकोरेशन शुरू करवा रही है? आज ही से. अच्छा सुनिए, सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब ऊपर नीचे कॉरिडोर सब कुछ डेकोरेट करना. जी मैम. ओके. अरे ये प्राची डेकोरेशन करवा रही है तेरे बर्थडे का. मुझे तो लगा कि तेरा बर्थडे है तो रिया डेकोरेशन करवा रही होगी. अरे नहीं नहीं, सुना नहीं रही हूँ, जता रही हूँ. आंखें खोल अपनी. मैंने बिल्कुल सही किया प्राची को रोककर. अब देखती हूँ ये पल्लवी कैसे बच के रहती है प्राची की अच्छाई से. रंग तो चढ़ के रहेगा.